मैंने अपना बना लिया है नाश्ता। उन्हें लोग तो कर रहे हैं नान चने, मैंने नहीं वो खाने, तो इसलिए मैंने अपने लिए ये नाश्ता बनाया है। साथ मैंने चाय भी रख दी है, मेरी चाय। ठंडा खाना आपने भी? हमारी हो गई है जी चाय तैयार। अभी नाश्ता करके जो भी काम वगैरह निपटाते हैं उसको। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हमारी तरफ से आप सबको ईद मिलाद नबी मुबारक हो। इस ईद की वजह से सारी ईदें बनी, क्योंकि हमारे प्यारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और सारी दुनिया को रोशन कर दिया दोनों जहानों के लिए। अल्लाह ताला ने आपको रहमत बना कर भेजा। तो आज देखे जी ये हो गए हुए हैं तैयार। इधर ये देखें कितना प्यारा इन्होंने सूट पहना है, ऊपर वेस्टकोट भी पहनी, कह रहे ईद है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आज ये मेरे साथ करवा रहे हैं सफाइयाँ। ये अभी हमने अपना सारा इधर से सारी सफाई की है, और अभी ये चारपाई वगैरह साफ़ करनी है, नीचे सफाई भी करनी है। और आज हमारे घर आ रहे हैं मेहमान, न्यू बॉर्न बेबी जो आया हुआ है ना, छोटू सी, इशार या इफ्रा या मरवा जो भी नाम रखना। बात तुम उसके मामू, तुम बता दो क्या नाम रखना है, क्या रखना है? अच्छा, तो जो तुम्हारा आना उसका क्या रखना है, बोले ना, हंसा ना करें, बोला करें। ओए हटे यहां से, तू कैसे देख रही है, हंसा करें, बोला करें आगे से जी। तो यहाँ पे इनकी हो रही है पेपरों की तैयारी, क्योंकि ये कर रहे हैं पेपर के बैठ के तैयार, क्योंकि कल मीरप का है पेपर, तो ये यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। और अभी आने वाले मेहमान, तो हमने बनाना है खाना, तो नाश्ता वगैरह मैंने इनको करवा दिया है। नाश्ता करके ये हो गया, अभी मौसम आज बड़ा प्यारा हुआ हुआ है। नाश्ते के बाद अब सफाइयाँ करने लगे हैं, सफाइयों के बाद फिर हम खाना बनाएंगे, फिर मेहमान आएंगे, न्यू बॉर्न बेबी भी आपको दिखाएंगे। तो अभी बस वो पहुँचने वाले हैं, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से हम अपने ना सारी सफाइयाँ कर लें। ये मेरे साथ आज सफाइयाँ करवाएंगे, जल्दी कर ले हैं। तो उनके आने से पहले पहले पेन मेरा है, गुम नहीं करना आपने। अच्छा, तो अभी हम मुन्ना नहीं रो बेटा, एक तो मुन्ने को ना सोड़ी पड़ी हुई है, क्या आप सोड़ी बताई ना, दोनों रजिस्टर सेम देगी, उसके रजिस्टर पे मैंने अपना काम लिख दिया। मेरा प्यारा मुन्ना, इसको बड़ी पसूड़ियाँ पड़ती हैं, हमेशा पसूड़ियों में रहती है। इसके चेहरे के ऊपर ना पिंपल्स बड़े हो रहे हैं, मुझे इस बात की बड़ी फिक्र है। छोटा सा है अभी और इतने पिंपल्स, उन्हें तुमने छेड़ने नहीं है, अच्छा नहीं तो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आए जी सफाई करते हैं और उसके बाद फिर खाना बनाते हैं, फिर आपसे मलते हैं। यहाँ पे मीरब को लग रही है मेहंदी, उसके पप्पो लगा रही है, कितनी प्यारी लग रही मीरब है ना। मरियम को शुरू से मेहंदी बड़ी प्यारी लगानी आती है, और न्यू बॉर्न बेबी छोया हुआ है, ठंडा बच्चा, बस इनका काम ही यही, दूध प्योर सो जाओ, दूध प्योर सो जाओ। और अहमद भाई क्या कर रहे हैं, अहमद जी आ जाओ इधर। शफा क्या कर रही है? अच्छा शफा मुझे बताओ, आपने अपने घर कब जाना है, घर कब जाना पापा के पास, हैं? नहीं जाना, नानों के घर ही रहना है, स्कूल नहीं जाना आपने? पापा देख रहे हैं, पापा देख रहे हैं, फिर स्कूल जाओ जी। सासू माँ आई हुई है और यहाँ पे बना रही है रोटी, चले ये पकड़ के उधर रख लें, इधर से जल जाएगा, इसको रोटी को करें जी, बिस्मिल्लाह, ये बन रही है रोटी। दूध पी रहा है माशाल्लाह, बेबी दूध पी रहा है, छोटा बेबी गुच्छा चढ़ा हुआ, गुच्छा चढ़ा हुआ है, इतना कुछ आ रहा है। चलो आओ खाना खाएं, आ जाए अहमद सफा, चलो बैठो खाना खाएं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश, ऊपर चलो। मरियम आप ही बैठो उधर, इनको सबको बैठाओ। अरे लग रही मुन्ने अच्छी लग रही ना, तेरे पुप्पो ने लगाई है, ये लगे कितना प्यारा कलर। जा रहे हो? अच्छा वाह जी वाह, उठ जाओ घर जाना है तो। रोना 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 रोना, अहमद भी जा रहा है, अहमद भी जा रहा है, क्या हुआ है अहमद को, क्या हुआ है?
कैटू है बाहर, सफा कहाँ गई है? सफा हम इनको छोड़ के आते हैं बाहर, आ जाए, आ जाओ सफा, आ जाओ आ जाओ। हाँ ये प्यारी लग रही है। जी व्यूवर्स, फाइनली मेहमान जा चुके हैं। छोटू बेबी आई थी हमारे घर, अभी तक उसका नाम सिलेक्ट नहीं हुआ। मैंने तो कहा इशाल रख दें या फिर मरवा रख दें, इफ्रा भी रख दें, जौन सा मर्जी रख दें, लेकिन अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ। तो कल वो अपने घर चले जाएंगे, आज इसीलिए हमसे मिलने आए हुए थे। तो मुझे ये देखे मेहंदी भी लगा के गई हैं इनकी पुप्पो, इनको मेहंदी बड़ी प्यारी लगाने आती है, फिर मुझे लगा के गई है मेहंदी दोनों हाथों पे लगाइए। ये भी हम दिखाते हैं आपको, ये देखें। मुन्ना साहब यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई आप? नाखून पक गया। नाखून पक गया? क्या हुआ है? पता नहीं कोई चीज लगी थी। कल मीरब का पेपर है जी, आपने दुआ करनी अच्छे अच्छे से उसके एग्जाम्स हो जाएं। और अभी ये कह रही है मुझे बाहर लेके चले कहीं घुमाने फिराने, तो हम लेके जाते हैं। उधर आ जाओ मम्मा के पास, बड़ा तैयार शहर होके घूम रही बेबी मेरी है। जाना है भाई, जाना कहीं? अच्छा मामा भी आई थी ना आपकी कज़न, छोटू बेबी है ना, वो चले गए तभी हम चलते हैं फिर भाई, मैं अपने बेटे को ले जाऊँगी। ठीक है, मैं तो कज़न राइड जाने वाली पापा जी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज बड़ा सारा दिन काम वगैरह हमने किया, बल्कि इसकी दादो काम करवा के गई हैं साथ, और पुप्पो भी इसकी, क्योंकि आज मेरे से काम हो ही नहीं रहा था तो उन्होंने काम मेरे साथ करवाया। तो अभी फाइनली वो जा चुके हैं अपने घर, तो मैंने कहा आप लोगों से भी मैं इजाज़त लूँ। और आज बाहर तो कहीं नहीं गए, घर के अंदर ही हमने सारा व्लॉग बनाया, काम वगैरह किया है, सफाइयाँ वगैरह की हैं, उसके बाद खाना बनाया, उसके बाद उनको खाना खिलाया, सुबह नाश्ता इनको करवाया, फिर सारा दिन। तो आज ईद मिलाद नबी थी, इसके पापा भी लेट ही गए हैं शॉप पे, तकरीबन 4 बजे गए हैं। अभी मैं उनको बिठा के आई हूँ भाई रिक्शे पे, मैंने कहा आप लोग कह रहे थे हमने जाना, मैंने तो कहा था रह लें, कहते नहीं अभी हम जा रहे हैं। तो न्यू बेबी आज हमारे घर आई थी, बड़ी प्यारी माशाल्लाह हुई हुई है, बड़ी क्यूटो सी, गुप्पो गुप्पो सी, और बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातें भी ना ऐसे सुनती है, यानी कि बच्चा जैसे सुनता है फिर उसका रिस्पांस करता है, आगे से रिस्पांस देती है, बड़ी प्यारी क्यूट सी हुई पड़ी है छोटी सी। मेरे ख्याल में उसका इशाल नाम ठीक रहेगा, मरवा भी अच्छा है, इशाल भी अच्छा है, लेकिन उनकी पुप्पो जो डिसाइड करेंगी, वो अब कल जाएंगी अपने घर, तो जो उनकी पुप्पो कहेंगी वही रखेंगे, या उसके पापा। मैंने तो अपने शोहर से भी कहा था कि वो उनका नाम कोई रख दें, कह रहे मैं क्यों रखूँ, उसके पापा रखेंगे। तो जनाब ये थी आज सारा दिन की रूटीन, और आप लोगों का दिन कैसा गुजरा आपने भी बताना है, खुशियों से गुजारा। तो कल इंशाल्लाह ताला एक ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगी, और ढेर सारी बातें भी करेंगे, और कहीं बाहर जाएंगे भी इंशाल्लाह, इनको स्कूल छोड़ने लेने का भी कल काम करेंगे। तो अभी मैं इनको मसाज करने लगी हूँ सिर में, सुबह फिर नहा के ये लोग स्कूल जाएंगे। तो फाइनली मौसम जो है वो बड़ा अच्छा हो गया है, माशाल्लाह सर्दियों सर्दियों की आमद हो रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मी से थोड़ी जान छूट जाएगी, सर्दियां आ जाएंगी तो थोड़ा सुकून हो जाएगा, वरना फिर 8-10 महीने तो जो है ना वो गर्मी के ही होते हैं, गर्मी पड़ती है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, सब खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में, और शाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, किसी के बारे में भी बुरा ना सोचें, और जहाँ तक हो सके किसी की हेल्प करने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने ज़ुमान में रखे, और आप जो है ना तमाम महफूज रहें मुसीबतों से, परेशानियों से, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप सब लोगों के बच्चों की ज़िंदगी में बरकत दे, रिज़क में बरकत दे, और खानों में बरकत दे, जो आप खाते हैं पकाते हैं, जो रिज़क अल्लाह ताला आपको अता करता है, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे, ज़िंदगी में बरकत हो, अल्लाह ताला खैर करे। और अभी कोई खबर एक YouTube पे चल रही है कि आज महफिश हैं कोई उनके होने वाले जो दामाद हैं, उन्होंने शायद सुसाइड कर लिया है, तो कोई रिश्ते का मसला था या ज़मीन का, जो भी कुछ समझ नहीं आई, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है कि सोच समझ के जो है वो फैसले करने चाहिए, और सुसाइड तक नौबत
नहीं जानी चाहिए। अल्लाह ताला खैर रखे सबकी। बस हम तो यही दुआ करेंगे कि सबके ऊपर अल्लाह ताला अपना रहम और करम करे और खुश रहें और आबाद रहें और अल्लाह ताला नेक हदायत दे। ये हमारी दिल से दुआ है। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। अल्लाह ताला में पंज गाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बच्चों को नेक बनाए और कमाने वालों की खैर हो, परदेश में रहने वालों की खैर हो। ये दिल से दुआ है। तो इंग्लैंड वाले आ रहे हैं जनाब, 12 तारीख को यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर उनसे मुलाकात भी होगी, आपकी भी मुलाकात करवाएंगे। तो जब तक के लिए अपना ढेर और ढेर ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ रेड बटन को दबा दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, इससे मुझे हौसला मिल जाएगा। जब तक अल्लाह हाफिज़। मुन्ना।